अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप सो यू आर फाइन. ओके, दिस इज़ योर जनरल साइंस टीचर मिस सिद्रा. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 6, वाटर. इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट वाटर एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर एंड देन सोर्सेज ऑफ वाटर. ओके, नाउ टूडे डे इज फ्राइडे एंड डेट इज 3rd July 2020. ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन वाटर के बारे में, एंड देन उसके बाद कुछ सोर्सेज हैं, फिर उसके बाद हमारे पास इम्प्योरिटीज़ कुछ वाटर की हैं, उनमें क्या पाई जाती हैं, उनको स्टडी करेंगे इस लेक्चर में आज हम करने वाले हैं. सबसे पहले आप देखें कि आपके पास क्या है. वाटर कवर मोर देन 70% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास 70%, ठीक है, जो अर्थ की सर्फेस है वो कवर होती है किसके, वाटर से. ठीक है, अब उसके बाद आपके पास कुछ फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. आपको पता है मैटर के आपके पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं. तो आपके पास यहाँ पर जो है इसी की, इस तरह वाटर की भी आपके पास फिजिकल स्टेट्स क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, गैस इन तीनों फॉर्म में जो है ये पाया जाता है. ठीक है, अब सॉलिड ये किस फॉर्म में, जब आइस की फॉर्म में होगा तो आपके पास सॉलिड होगा. ठीक है, लिक्विड जब आपके पास ये वाटर की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा, लिक्विड. एंड देन गैसेस फॉर्म में जब ये वेपर्स, ठीक है, या स्टीम, ठीक है, या वेपर्स जो होते हैं ये आपके पास भाप की सूरत में या स्टीम, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये आपके पास किस फॉर्म में होगा, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जिस तरह से आपके पास डिफरेंट आपके पास केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट आपके पास मटीरियल की डिफरेंट बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स होते हैं सेल्सियस स्केल में, उन्हें हम देखते हैं. तो यहाँ पर आप देखें फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली आपके पास होता क्या है बच्चों, जब आपके पास द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्टेड इन टू आइस इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. वो पॉइंट जिस पर आपके पास लिक्विड जो है, वाटर जो है, वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में, सॉलिड फॉर्म में, उसे उसका बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास क्या, 0°C. ठीक है, जीरो आपके पास ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अब आपके पास क्या है, द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपके पास वाटर जो है बॉयल होने लग जाए तो उसे क्या बोला जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास वाटर को क्या है, 100°C है. ठीक है, अच्छा, सोर्सेज ऑफ वाटर. अब हम सोर्सेज ऑफ वाटर को स्टडी करने से पहले आई वांट टू ऐड समथिंग हियर. अब आप देखिए, ऑल लिविंग थिंग नीड्स वाटर टू सर्वाइव. प्लीज ओपन यूर बुक एंड ओपन पेज नंबर 43. ऑल डिटेल्स आर मेंशंस हियर. All living thing needs water to survive. आपको पता है कि जितनी भी living thing है और survive करने के लिए, जिंदा रहने के लिए water जो है उनकी basic need है. ठीक है, plants, fishes, insects, birds and other animals all need plant to grow. जितने भी आपके पास birds हैं, animals हैं, insects हैं, animals सब grow करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, water require है. ठीक है, even आपके पास जो green plants हैं, हम previous lecture में पढ़ चुके हैं, green plants हैं वो भी use करते हैं water को photosynthesis के process में अपना food prepare करने के लिए. ठीक है, इस तरह आपके पास कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे भी हैं जो लिव करते हैं वाटर में. ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, ये ऑक्सीजन को कैसे यूज़ करके ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई होती है वाटर में, ठीक है, उसे जो यूज़ करते हैं ये सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, अब हमारी बॉडी को भी वाटर रिक्वायर है. ठीक है, इट मेक अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, वाटर हेल्प अस इन सेवरल वे. वाटर हेल्प टू डाइजेस्ट अवर फूड. अब वाटर हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, किस तरह से हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन के प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हमारी बॉडी से रिमूव करने में, उनमें हेल्प कर रहा है. और वाटर कीप्स अवर बॉडी कूल इन हॉट वेदर. ठीक है, गर्म वेदर में, गर्म मौसम में हमारी बॉडी को कैसे कूल करता है, पसीना जब आपको आता है, ठीक है, स्वेटिंग के प्रोसेस में. तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, हम पढ़ने वाले हैं इसकी नेक्स्ट क्या है. ठीक है, नेक्स्ट उसकी सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ वाटर. अब सोर्सेज हमारे पास वाटर की क्या है, हमारे पास वाटर इज प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बट इट आल्सो बीनीथ इट्स सर्फेस. वाटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्फेस की, ठीक है, अर्थ की सर्फेस से प्रेजेंट है, ये बीनीथ, ठीक है, उसके नीचे भी, अर्थ की नीचे जो है, उसकी सर्फेस के नीचे भी जो है ये पाया जाता है, प्रेजेंट होता है आपके पास वाटर, ये पता है आपको. अच्छा, अब आपके पास देखें सर्फेस वाटर, अबाउट 97 ऑफ अर्थ सर्फेस वाटर इज़ फाउंड इन द ओशियंस. ठीक है, ओशियंस में, अब आपके पास समुद्रों में 97% जो अर्थ सर्फेस आपके पास वाटर है वो समुद्रों में पाया जाता है. ठीक है, इट इज़ सॉल्टी वाटर, ये आपके पास नमकीन होता है पानी. ठीक है, ओनली 3% ऑफ द वाटर इज फ्रेश वाटर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, सिर्फ आपके पास 3% जो है फ्रेश वाटर जो होता है वो अर्थ की सर्फेस पर प्रेजेंट होता है, एयर में, अंडरग्राउंड, ठीक है, इस तरह से. ओके,
ओशियंस वाटर, ओशियन वाटर, ठीक है। अब क्या है ओशियन वाटर? इज अ मिक्सचर ऑफ डिसॉल्वड गैसेस एंड सॉल्ट इन प्योर वाटर, ठीक है। आप ओशियंस वाटर, समुद्रों का जो आपके पास पानी थे बेसिकली, अगर आपने कभी आपने किया हो, ऑब्जर्व किया हो या कभी उसे आपको तो देखें, आपको थोड़ा साल्टी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंट गैसेस भी मिक्स होते हैं और डिफरेंट उसमें सॉल्ट, ठीक है, प्योर वाटर में, ठीक है, मिक्स होते हैं। अब उसमें आपके पास जो बच्चों गैसेस जो बेसिकली जो उसमें ओशियंस वाटर में जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली ये मेन जो गैसेस हैं ये ज़्यादा उनमें, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं। अब उसके बाद सॉल्ट, ठीक है, अब हमने कहा कि सॉल्टी होता है तो डेफिनेटली उसमें सॉल्ट कंटेन कर रहे होंगे, सॉल्ट प्रेजेंट होंगे हमारे पास। तो सॉल्ट उसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास प्रेजेंट होते हैं किसमें? ओशियन वाटर में, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड आपको पता है टेबल सॉल्ट जो आपके पास है बेसिकली जो आप यूज करते हैं घरों में भी, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, टेबल सॉल्ट जिसे बोला जाता है। तो कहता है कि सोडियम क्लोराइड इज अ मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन द ओशियंस वाटर, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो आपके पास सोडियम क्लोराइड जो कंटेन कर रहा होता है ज्यादा, ठीक है, ओशियन वाटर में, ठीक है। ओशियन वाटर इज अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब ओशियन वाटर जो प्रेजेंट ये है जो आपका सॉल्टी है, डिफरेंट गैसेस भी कंटेन कर रहा है, तो ये आपके पास, ठीक है, अनएबल है फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ कंट्रीज हमारे पास ऐसी भी हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, ये रिमूव करते हैं सॉल्ट को, ठीक है, सॉल्ट को डिफरेंट टेक्निक से और इसे ड्रिंकेबल बनाते हैं, ठीक है। ओके, कम टू वॉट फ्रेश वाटर, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज फ्रोजन, ठीक है। फ्रेश वाटर बेसिकली जो मोस्ट आपके पास पाया जाता है वो फ्रोजन फॉर्म में पाया जाता है। अब आपको पता है वाटर इज फाउंड इन माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। अब वाटर जो आपके पास पाया जाता है माउंटेन्स पे वो किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्लेशियर की फॉर्म में। अब ग्लेशियर बर्फीले पहाड़ जो हो गए, ठीक है, स्नो एक्युमुलेट ईयर आफ्टर ईयर टू फॉर्म आइस सी, ठीक है। अब जमा होती रहती है बर्फबारी जब होती है तो जमा होती रहती है कहाँ पर? माउंटेन्स पे, ठीक है, तो फिर वो आइस शीट की फॉर्म में बन जाता है जिसे ग्लेशियर बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब फ्रेश वाटर आपके पास जो है वो पाया जाता है आपके पास किस किस में? आपके पास रिवर में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, पॉन्ड्स में पाया जाता है, तालाब में, नहरों में, आपके पास जो है नदी में, ठीक है, ये पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है आपके पास, ठीक है। अब कम टू वर्ड वाटर बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब अर्थ की सर्फेस के नीचे जो है वो पानी किस तरह से पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, या क्या है, ठीक है, कि अगर आप रिकॉल करें व्हाट हैपेंड टू रेन व्हेन इट फॉल, ठीक है, जब बारिश होती है तो क्या होता है? रेन वाटर कैन वेपोरेट, ठीक है, वेपोरेट भी हो सकता है ना, ठीक है, और रन ऑफ टू द सर्फेस ऑफ द सोक इन टू द ग्राउंड और एब्जॉर्ब हो जाता है आपके पास ग्राउंड में, ठीक है, जमीन जज्ब कर लेती है। द वाटर डैट सोक इन टू द ग्राउंड, ठीक है, जो जज्ब हो जाता है पानी जमीन में, जमीन की सर्फेस में, इस कॉल्ड ग्राउंड वाटर, उसे क्या बोला जाता है? ग्राउंड वाटर बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब द टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इन एन एक्वीफर, इन एन एक्वीफर इज द वाटर टेबल। अब वाटर टेबल आपके पास क्या है? जब आपके पास पहाड़ों की चट्टानों में या जमीन की सरफेस जो पानी जमा हुआ होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? वाटर टेबल होता है, ठीक है। द लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब जो ये इसका जो अमाउंट है, ये कंसंट्रेशन है इसकी, ये ठीक है, ये आपके पास क्या होती है? जो लेवल होता है आपके पास वाटर टेबल का, वो चेंज होता है, ठीक है, साल के दौरान, ठीक है। इट राइज, ठीक है, जब बढ़ जाता है, जब आपके वाटर इज एडेड बाय रेन, जब पानी बारिश होती है तो पानी से मजीद जमा हो जाता है, तो क्या होता है? वो बढ़ जाती है उसकी अमाउंट, एंड इट बिकम लोअर देयर इज ड्रॉप, ठीक है। जब आपके पास खुश्क साली होती है, बारिश नहीं होती, ठीक है, तो क्या हो जाता है? काम हो जाता है, ठीक है। पीपल डिग वेल टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सर्फेस, ठीक है। लोग क्या करते हैं? कुएं वगैरह भी बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ग्राउंड जो आपके पास होता है ग्राउंड सर्फेस से, ठीक है, पानी को निकालने के लिए इस तरह से, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर यूर वॉचिंग।